सर, जैसा कि आप जानते हैं हमारे जिला पंचकूला में पावन स्वच्छ पंचकूला के तहत एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, जिसके तहत हमारे क्षेत्र के गांव समलेड़ी, हरियोली, बडौना, खेड़ी इत्यादि गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि इन गाँव के शौच मुक्त होने के बाद आपको अपने क्षेत्र के इन गाँव में क्या चीज़ देखने को मिली है, क्या चेंज देखने को मिला? देखिए, हमारे हरियाणा सरकार का जो कदम था स्वच्छ भारत का, उसके हिसाब से जितने भी हमारे आसपास के गाँव की बडौना कला, हरियोली गांव, समलेड़ी, इनकी जितनी भी ग्राम पंचायत है उसके साथ जुड़ के लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है, जिससे सभी पंचायतें शौच मुक्त हुई हैं। उसके हिसाब से जो हमारे एरिया की सबसे बड़ी समस्या थी मक्खियों की, उससे यहाँ के आसपास के जितने भी गाँव हैं हमारे, उनसे निजात मिला है। और इस मक्खियों की दिक्कत से जो भी बीमारियाँ हमारी पनपती हैं, जैसे कि हैजा है, पेचिस है, मलेरिया है, इन सभी चीज़ों में बीमारियों में बहुत कमी आई है, और जिसकी वजह से जितने भी हमारे आसपास के हॉस्पिटल हैं उसमें मरीजों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आई है और लोग अब पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं।